जी सर, आज एक सेकंड आराम से, आराम से सब सब आराम से, आराम से। मिठाई की दुकानों पर सैंपल भरे गए, कितने सैंपल भरे हैं? ये आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे आए? मेरा नाम डॉक्टर गौरव है, मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीन के पद पर तैनात हूँ। और अभी सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए ये खाद्य पदार्थों के लिए विशेष रूप से सरकार की हिदायतें हैं कि त्योहारी सीजन में मिठाइयों की व खाने के पदार्थों में मिलावट ना हो, उसकी चेकिंग के लिए सरकार ने विशेष हिदायतें दी। उसी के तहत आज ये अभियान चलाया गया है और आज यहाँ से फिलहाल हमने 4 सैंपल लिए हैं, जिसमें रसगुल्ला था, मावा था और भी 2 सैंपल थे साथ में, और हिदायतें भी मौके पर दी गई हैं भी साफ सफाई रखें। और मेरा विशेष अनुरोध सभी दुकानदारों से जो खाद्य पदार्थों का काम करते हैं कि देखिए हमारे भी बच्चे हैं, वो चीज़ बनाए जो अपने बच्चों को खिला सके, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट ना करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान करें। और मौके पर जिस भी प्रतिष्ठान में आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, बिना उसके यदि कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट हम भेजते हैं प्रयोगशाला, चंडीगढ़ है हमारी, तो वो उनकी जो कार्रवाई आगे की जैसे अमल में लाई जाती है हमारे पास रिपोर्ट काफी आ जाएगी, उस हिसाब से आगे कार्रवाई अमल बना देंगे। छापेमारी आज कितनी दुकानों पे की? आज सफीतों में केवल मक्कड़ स्वीट पर है, सीएम फ्लाइंग हमारे साथ थी, तो उनके आदेशानुसार साथ में जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई की। कितनी दुकानों से सैंपल भरे गए आज? अभी सिर्फ यही हमने लिया है, इससे पहले हम जिन डिस्ट्रिक्ट में जी एक ही दुकान से भरे आज, अभी एक ही दुकान से, लेकिन ये अभियान रोज जारी रहेगा क्योंकि आगे त्योहार सिर पर है। त्योहारी सीजन पे देखते हुए सरकार की विदेश हिदायतें हैं। खामियां जी, मौके पर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था जिसका इनको नोटिस जारी कर दिया गया है, और जो भी कुछ गलत लगा उसका सैंपल भर लिया गया, उसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की। एक बात मैंने यहाँ देखी है, खासकर सारी दुकानों, ना तो किसी का रजिस्ट्रेशन है, ना किसी के रेट्स जो है निर्धारित है। देखिए रेट्स का जहाँ तक सवाल है, रेट्स का हमारे रेगुलेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम प्रॉपर लाइसेंस हो, सफाई हो, मिलावट ना हो, ये हमारे विभाग का मेन कार्य है, जिसके तहत इनका रजिस्ट्रेशन मौके पर मुझे नहीं मिला तो मैंने इनको भी नोटिस जारी किया है। तो जिस भी दुकानदार के पास, मैंने फिर दोहराता हूँ कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको नोटिस जारी किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो इस एक्ट के तहत बनती की जाएगी। आपके विभाग के द्वारा अक्सर मैं देखता हूँ सैंपलिंग तो होती है लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है जी, मौके पर जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्योंकि मेरे को भी 10 ही दिन हुए ज्वाइन किए, ये मेरा पहला सफीदों दौरा है, मैंने अभी फ्रेश ही ज्वाइन किया है, लेकिन ऐसा नहीं, जुर्माने का जो प्रावधान है वो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। एक लास्ट सवाल है जी, अगर इसमें खामियां पाई जाती है तो उसके बाद आप आगामी एक्शन क्या होगा? आगामी एक्शन जी, इसको हम न्यायालय में पेश करेंगे इस रिपोर्ट को, और जो भी न्यायालय की जो कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी, और न्यायालय के जैसे निर्देश होंगे उनको जुर्माना किया जाएगा, या सजा का प्रावधान है वो माननीय न्यायालय। सजा का प्रावधान? सजा का देखिए जी, अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, इसमें सब सटेड है, अनसेफ है, अनसेफ जो जाता है वो माननीय न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय में जो प्रावधान कानूनों के तहत सजा वो माननीय न्यायाधीश, और ये कोर्ट का मैटर, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर एक बात हो रहा है, जो आज आप आए हैं चेकअप है या कोई शिकायत है? देखिए शिकायत नहीं होती थी, ये सीएम दस्ता जो उड़न दस्ता विशेष छापेमारी दल जो हमारे साथ चलता है, उनको जिस प्रकार से विभाग को गुप्तचर सूचना या कोई ऐसी बातें होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाती है, ये भी एक रूटीन का हिस्सा है, तो ये हमें करना है। बाकी मैं फिर से कहूंगा, मेरा विशेष अनुरोध सभी दुकानदारों से जो खाद्य पदार्थों से संबंधित है, साफ सफाई रखें और इसको प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई। आपके विभाग से डर ऐसा क्या है कि लोगों ने अभी जो है? सर डर तो ऐसा है, एक सुनिए, नहीं इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैं कुछ गलत काम नहीं करता तो मैं डर नहीं करूंगा, ये तो वो सोचे जिसने बंद की, डरे वो व्यक्ति जो गलत हो, जो गलत नहीं होगा बिल्कुल नहीं डरेगा। सर एक बात आती है कि जो मानक है वो मानक है वो जो पहले बनाए हुए हैं जी, ठीक है, आज के टाइम हम दूध का सैंपल देकर पढ़ते हैं जी, जो भैंस के दूध होता है वो भी समय फैल आता है। सर ऐसा है मैं आपको बताऊं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो किसान भाई, ठीक है, अपना पेस्टिसाइड जो होता है उस पर स्प्रे करते हैं, उसका रेजिड्यू दूध में आता है जी, जी। तो समय समय पर विभाग हिदायतें जारी करता है, लोगों को इकट्ठा करके उनको मीटिंग भी लेता है, व्यापारी भाइयों भी लेता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि इस प्रकार की खामियां ना पाई जाए। मानकों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? सर मानक तय करना हमारा काम नहीं है, ये केंद्र स्तर का काम है, हमें तो सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो हम करते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद।